तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब हाल चाल तो तुम लोग के बढ़िया होंगे, लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे तुमको बतानी है, और साथ ही साथ तुमको वो गेम प्ले दिखाना है जो देखने के लिए तुम लोग तरसते हो। स्नाइपर वाला नहीं भाई, शॉटगन वाला, क्योंकि तुम्हारे भाई को उतरते ही शॉटगन मिली थी। तो आज माहौल टाइट हो गया था कि तुम्हारा भाई शॉटगन चलाने वाला, और तुमको पता है शॉटगन के साथ हमारा रिश्ता कैसा खानदानी है भाई। शॉटगन हमको कभी छोड़ती नहीं है, समझ रहे हो, ना ही हमारे हाथ में चलती है। तो ऐसे में भाई मेरे को एक ऐसी शॉटगन चाहिए थी ना जो तुम्हारे भाई को अच्छे से सपोर्ट दे सके, क्योंकि शॉटगन्स के मामले में शायद ही पूरी दुनिया में कोई ऐसा बंदा होगा जिसकी किस्मत मेरी जितनी बुरी होगी। ना शॉटगन मेरे से चलती है और ना ही मैं शॉटगन से कभी बच पाता हूँ, तो इसलिए मैं शॉटगन से हमेशा दूर ही रहता हूँ। लेकिन तुम लोग ने आजकल नोटिस करा होगा कि ई स्पोर्ट्स में एक शॉटगन है जो बहुत ज़्यादा चलने लगी है। इनफैक्ट मीरामार जैसे लॉन्ग रेंज मैप्स में भी लोग शॉटगन लेके घूम रहे हैं। तो भैया ऐसा क्या हो गया कि लोग शॉटगन चला रहे, पूरा बीजुमाई लॉबी शॉटगन चला रहे? मैंने कहा चलो मैं भी चला के देखता हूँ, तभी तो पता चलेगा मेरे को कि आखिर शॉटगन में से खास क्या है। अब जिस शॉटगन की मैं बात कर रहा हूँ वो शॉटगन है DBS। भाई इस गन ने जो जलवे बिखेरे हैं ना बीजुमाई वापस आने के बाद, तुम देखना अब जो स्क्रिम्स हो रही है या ई-स्पोर्ट्स के जो भी मैचेस हो रहे हैं तुमको उसमें शॉटगन दिखेगी, लेकिन एक ही शॉटगन दिखेगी, DBS। भाई अलग ही लेवल का शॉटगन हो रखा है ये। तुम इस गेम प्ले में खुद ही देख के समझ जाओ कि मेरे जैसा नूब इस शॉटगन को अगर चला सकता है ना, तो भाई ये प्रो बंदे के हाथ में शॉटगन क्या ही करेगी। भाई देख रहे हो बंदे को अपॉर्चुनिटी तक नहीं मिली कुछ करने की, इतना गंदा बजाया मैंने शॉटगन से। वैसे शॉटगन का कहर तो अभी मेरा शुरू हुआ है इस पूरे गेम प्ले में। तुम भी कहोगे फारो भाई तोबा तोबा, दोबारा शॉटगन मत चलाना यार तुम। तो भैया लेकिन उसके लिए तुमको करना पड़ेगा इस वीडियो को लाइक, तो चलो फटाक से वीडियो को लाइक कर लो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो काहे का वेट कर रहे हो, कर दो ना यार सब्सक्राइब, ईजी है, 2 सेकंड लगते हैं। वैसे यार तुम्हारे भाई फारोफ को तुम्हारी मदद चाहिए। अब तुम पूछोगे कि काहे के लिए मदद चाहिए भाई, तो देखो यार मैं सोच रहा हूँ कुछ गाइड्स निकालने को। अब अगर तुमको पता होगा तो मैंने जब चैनल की शुरुआत करी थी जी गुरुजी वाले, तो उसमें मैं स्टार्टिंग में गाइड्स ही डालता था। अब ऐसा नहीं कि मैं नॉस्टैल्जिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या ऐसा भी नहीं है कि मैं उन्हीं गाइड्स को रिसाइकिल करने वाला हूँ। असल में तब के पबजी मोबाइल और अभी के बीच में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि हाईलाइट करना ज़रूरी है, और कुछ ऐसी गाइड्स हैं जिनको बनाना भी ज़रूरी है क्योंकि लोग उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो तुम लोगों को क्या लगता है, क्या मुझे कुछ गाइड्स बनानी चाहिए? मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है फुल गाइड बनाने का पूरा गेम ट्यूटोरियल का, बस मुझे कुछ ही गाइड्स बनाने हैं, अच्छे गाइड्स बनाने हैं, बस इस वजह से बनाने हैं क्योंकि यार मैंने कुछ ऐसी गन्स, कुछ ऐसे अटैचमेंट्स और कुछ ऐसी सेटिंग्स को नोटिस करा है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं लेकिन लोग उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तुम यकीन नहीं मानोगे करंटली बीजीएमआई में एक ऐसी गन है जो M4 DP दोनों से ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल लगती है, लेकिन लोग उसे यूज़ ही नहीं कर रहे हैं ना। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक मैं तुम्हारे सामने रिवील करना चाहता हूँ। तुम्हें सोच सकता है काफ़ी सारे लोगों को बताओ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक गाइड मिल जाएगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो तुम लोग मेरे को कमेंट्स में बताना कि ये प्लान कैसा है। लेकिन जो मदद चाहिए मुझे तुम लोग से वो ये है कि यार मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ टॉपिक सजेस्ट करो जिनमें तुमको परेशानी हो रही हो, या फिर जिनमें तुमको ऐसा लगता हो कि एक प्रॉपर गाइड मिल जाए तो काम बढ़िया हो जाएगा लोगों के लिए। तो मेरे को ऐसे टॉपिक ज़रूर सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन में, बिकॉज मेरे पास दिमाग में काफ़ी सारे टॉपिक हैं, लेकिन जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहेगी मैं उन्हीं को कवर कर लूँगा। अब देखो अब सीधा आ जाता है गेम प्ले पे, बहुत कर ली इधर उधर की बात। तो अब तुम्हारे भाई का सिचुएशन कैसा है, उसके पास है एक हनी बैजर, तुमने देखा होगा आजकल मैं हनी बैजर बहुत यूज़ कर रहा हूँ, दूसरे हाथ में है DBS, मतलब शॉर्ट रेंज का पूरा इंतजाम है मेरे पास, और मैंने पहन रखा है भाई साहब काउ सेट। अब मुझे इसका नाम नहीं पता है बट मेरे को गाय जैसा कपड़ा दिख रहा है तो मैं इसको बोल दिया काउ सेट। अब देखो मैं DBS लेके बैठा हूँ FPP में, अब तुमको पता है क्या होने वाला है, बूम भाई ये गन ओवर पावर्ड है। अब मुझे समझ में आ रहा है साला मैं इस गन के सामने मरता क्यों हर बार, भाई ये गन ही ओवर पावर्ड है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। अब देखो DBS की आवाज़ सुन के इसका टीममेट तो आधे रास्ते से चटक लिया, उसने रिवाइव करने की कोई कोशिश भी नहीं करी क्योंकि उसको पता था उसका टीममेट बचने वाला है नहीं, लेकिन हम उस बंदे को छोड़ने वाले तो है नहीं, तो हम उसको ढूंढ के मारेंगे। लेकिन यार इसने तो हमें को ढूंढ लिया और पीछे से किसने हम पे पुश कर दिया, भाई देख रहे हो बॉर्डर रश कर रहे हैं। अब देखो तुमको सामने एक गाड़ी दिखाई देगी होगी, लेकिन मेरा ध्यान उस गाड़ी पे नहीं था क्योंकि मुझे पता था इस टीम का अभी भी एक बंदा बच रहा है और उसकी लोकेशन मुझे मिल गई थी क्योंकि फुटस्टेप आ गए थे, लेकिन तभी ये हुआ।
भाई मैं समझ गया था दाल में कुछ तो काला है, और तभी आ गई नोटिस। भाई मेरी किल तो गई, मेरे को लगा था मैं मर जाऊंगा, अब भले ही बुकी ने मेरे को बचाया बट मेरी किल भी खा गया यार ये बंदा। फिलहाल लूट भी मेरे हाथ नहीं लगी, सब कुछ बुग्गे ने लूट डाला, तो किल भी ले गया लूट भी ले गया। अब सामने की तरफ बंदे थे बट मैं प्रोन हो गया बिकॉज बुग्गी बोल रहा था कि देखो फारूक भाई तुम्हारा नेट सही चल नहीं रहा है, थोड़ी देर रुक के खेल लो, क्या पता तुम किसी पे फायर करो और तुम्हारी गोलियां रजिस्टर हो ना और वो तुमको नॉक फिनिश कर दे। तो ऐसे में मैं थोड़ी देर चिल कर रहा था, तुम खुद ही देख सकते हो कि मैं एडीएस किधर ले रहा हूँ, खुल किधर रहे। भाई मेरा नेट को पता नहीं क्या हो गया यार, लेकिन एक चीज थी जो मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो था बुग्गी का किल्स लेना, क्योंकि मुझे पता था मैं जितनी देर इस नेट से परेशान रहूंगा बुग्गी किल उठाता रहेगा। इस बंदे की ऑलरेडी 8 किल है, मेरे 10 किल है, और अभी यहाँ पर ये मेरे से किल्स में आगे भी निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पर बुग्गी ने एक और नॉक निकाला और उसको फिनिश करने के चक्कर में मेरी हो गई पिटाई। भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा था उसको फिनिश करने के लिए मैंने इतना खतरा क्यों उठाया, उसको रिवाइव होने देता मेरे को एक किल मिल। वेल अब सामने वाले काफी भिदक गए थे भाई, अब उनके टीममेट्स को मारूंगा तो वो तो गुस्साएंगे ही, तो मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया और मैं पीछे भागा बिकॉज मुझे लग रहा था मुझे फर्स्ट एड्स मिल जाएंगी डब्बों में से, बट भाई यहाँ पर भी कुछ नहीं है यार, मेरे को बैंडेजेस मिले बस जिनको लगाने में एक घंटा लग गया। तो एक घंटे बाद जब मैं वापिस आया तब तक बुग्गी ने भाई पूरा गेम बजा के रख दिया था। भाई मैं नहीं खेलूंगा इस बंदे के साथ यार, बोल रहा हूँ मत मार बुग्गी भाई, गेम प्ले बनाना है मेरे को, इसमें कोई रिकॉल नहीं होगा, रैंक्ड मैच है लेकिन सुन ही नहीं रही। भाई यार मत कर बुग्गी यार, क्यों कर रहा है तू ऐसा। भाई मैं जानता था एक किल उठा लेगा, इसलिए मैं ओपन में भाग आया था कि मेरे को एक किल मिल जाए, बट ये सारे किल लेके चला गया भाई, पूरी स्क्वाड इसने मारी है। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, दुश्मनी हो गई, मेरा टीममेट नहीं है यार, ये मेरा दुश्मन है, इसको मारूंगा मैं ग्रेनेड से, बट ये मेरे को रिपोर्ट कर देगा फिर फालतू में बैन लग जाएगा। तो यार मैंने उसको नहीं मारा, लेकिन मुझे पता नहीं कैसा लग रहा था कि छत पे कोई है तो मैं उधर नेट से डाल रहा था, बट मेरे नेट्स तो यार वेस्ट जा रहे थे। अब मेरा अंदाजा गलत नहीं था, वाकई में है तो यहाँ पर एक बंदा, लेकिन उसको यार पहाड़ी वालों ने बजा दिया, अब पहाड़ी वालों को हम बजाएंगे। अब मैंने नॉक तो कर दिया बट फिनिश नहीं निकाल पाया, और मुझे पता था कि वो अकेला तो है नहीं, वहां पर मेरे को और भी मूवमेंट्स दिखे थे तो मुझे पता था वो रिवाइव हो जाएगा, तो ऐसे में हमको पुश करना तो पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास गड्डी नहीं है भाई, क्योंकि हम अभी तक कहीं गए ही नहीं है, हम अपार्टमेंट उतरे थे, स्कूल आए, स्कूल से अपार्टमेंट गए, फिर वापस स्कूल आ गए। अब भाई मैं तो पूरी हटी कंपनी हूँ, तो मैं तो ओपन में पुश कर रहा था, तो बुग्गी चिल्लाया अरे वारव कहाँ जा रहे हो, इधर ना गाड़ी में, गाड़ी से चलेंगे हम। तो मैंने कहा ठीक है आ रहा हूँ, गुस्सा क्यों रहा तू। अब हम जब यहाँ पहुंचे तो हमको ऊपर तो कोई नहीं दिखा, लेकिन हमको पता था बंदे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है छुपे हुए हो। ओ भाई एक पीछे भी है। ओके तो ये तो नहीं बढ़ गए भाई, ये बंदा पहाड़ी पे चिपक के क्या टीपीपी ले रहा था भाई, ऐसे तो नट टीपीपी लेते हैं यार। उसके बाद देखो हम घूम रहे थे पूरे रोजा को बंदा ढूंढने के लिए, लेकिन बंदा वहीं निकला जहां हम पहले थे। भाई हद खत्म है यार, उन्होंने हम पे फायर क्यों नहीं करा था, हम तो ओपन में घूम रहे थे पहाड़ी पे, लेकिन जो भी हो अब हम फायर करेंगे और ये नहीं बचेंगे। एक तो गया, दूसरा तो बिल्कुल नहीं बचेगा, वो ऐसे ही 1 HP है। एक ही था क्या यहाँ पर, मेरे को लगा 2 बंदे हैं यार। चलो कोई बात नहीं, मेरे को किल मिल गया, मैं इधर हैप्पी। अब मैंने गाड़ी उठाई क्या, मैं सीधा गाड़ी में आके बैठ गया, क्योंकि गाड़ी तो मैं चलाऊंगा नहीं, क्योंकि बुग्गी ने ऑलरेडी बहुत किल उठा रखे हैं, मैं इसे और किल लेने का मौका तो दे नहीं सकता। तभी हमको भाई एक गाड़ी स्पॉट हुई, और तुमको पता है हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे उसके पीछे अपनी गाड़ी।
ओ भाई सारी गन रीलोडिंग कर रहे, गया मैं इधर भाई, एक गोली थी वो भी चला दी भाई बुग्गी क्या फालतू मरा इधर गाड़ी बटने की वजह से। अब देखो यहाँ पर मैंने गन रीलोड करी, बुग्गी को बचा लिया, लौट के बुद्धू वापस वहीं आए जहाँ उतरे थे अपार्टमेंट्स पे, और तभी हमको बंदे स्पॉट हुए। ओ भाई इस बंदे ने क्या प्यारा नॉक करा है बुग्गी को मिनी से भाई, टप टप दो हेडशॉट, मजा आ गई भाई। अच्छा हुआ मेरी लड़ाई नहीं हुई उस बंदे से, मैं नॉक हो जाता तो बड़ी बेइज्जती हो जाती है यार। अब देखो हमको बंदों की तलाश थी और हमको पता था कि ये सामने वाली बिल्डिंग में बंदे हैं, क्योंकि भाई इन्होंने टपर टपर तो किया था, अब हम टपर टपर करेंगे और ये नहीं बचेंगे। अब बस हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन का कमी था कि जो दो बंदे बच रहे दोनों की दोनों इसी बिल्डिंग में है या फिर एक ही इस बिल्डिंग में और दूसरा कहीं और, तो हम थोड़ा इधर उधर ध्यान रखे थे। लेकिन जब ये नॉक हुआ तो मैं समझ गया कि दूसरा वाला भी इसी बिल्डिंग में होगा, ये दोनों हैं टीममेट्स, तो अब 2v2 की सिचुएशन थी और तुमको पता है हम तो इनका दाल भाती चूरमा बनाएंगे, अभी ये बच नहीं पाएंगे। अब मैंने एक मॉली मारा क्योंकि वो वहीं रिवाइव कर रहे थे, और भाई एक तो फिनिश भी हो गया और दूसरा हो गया लो। अब बारी थी पुश करने की, लेकिन भाई उस बंदे ने मॉली डाल दी। अरे मुझे क्यों तोड़ा भाई, मेरा हेडशॉट भाई कितना गंदा हेडशॉट मारा है मेरे को उसने भाई, लो कर दिया एकदम मुझे, और बुग्गी को भी खाया गया भाई, ये हेडशॉट बहुत मार रहा बंदा, इसको तो ट्रोल करना पड़ेगा। और मेरे पास इसके लिए परफेक्ट चीज है, एक फ्लैश, अभी इसको फ्लैश करेगा मैं और घुस के फिस्ट से मारेगा इस बंदे को, बहुत हेडशॉट मार रहा है तो रुक। अरे नहीं बुग्गी बचा भाई, कहते इजी चिकन डिनर।